हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, पेट में एसिडिटी की समस्या तो बहुत सारे लोगों को होती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में GERD यानी गेस्टो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। इस बीमारी में बहुत सारे लोगों को इतनी समस्या हो जाती है कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं या फिर इसका हम इलाज क्या करें। मेडिकल इलाज और घरेलू इलाज दोनों इसमें हो सकते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के उन्हें किया नहीं जा सकता। इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सिम्टम्स और इसके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में। तो बात करें अगर इसके सिम्टम्स के बारे में, तो इसमें एसिडिटी होती है और एसिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि जब भी खाने के बाद हम डकार लेते हैं तो उसके साथ साथ एसिड भी गले तक आता है, और इसमें हमें देखने को मिलता है कि गले में चोकिंग जैसा हमें फील होता है, क्योंकि जब भी जो एसिडिटी आती है तो बार बार एसिड आने की वजह से हमें गले में चोकिंग जैसा फील होता है। और साथ में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है उनको खाने में भी दिक्कत आती है, यानी खाना निकलने में ज्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ हमें अपर एब्डोमिनल पेन और चेस्ट पेन भी दिखाई दे सकता है। इसका जो मेन सिम्टम है वो है हार्ट बर्न। अब हार्ट बर्न का मतलब ये नहीं है कि कहीं जलना या फिर हार्ट में जलन हो रही है, ऐसा नहीं। जैसा हमें एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक जैसी कंडीशन में हमें पेन होता है, वैसा की वैसा ही दर्द इसमें होता है, लेकिन इसमें दर्द रेडिएट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जैसे यहाँ हार्ट से दर्द उठेगा तो रेडिएट होकर कंधे तक जाएगा और फिर इधर लेफ्ट साइड में हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक लोकलाइज जगह पे होता है, इसमें एक ही जगह पे दर्द होता है, उससे वही दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो टेबलेट लेने के बाद या फिर पानी पीने के बाद ऐसी चीजों से वो खत्म भी हो जाता है। ये थोड़ी माइनर यानी थोड़े ही समय के लिए होता है। और अगर बात करें कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं, तो अगर ये बीमारी हमें ज्यादा एक्सपीरियंस हो रही है यानी डेली हो रही है हमारे एसिडिटी, और इतनी हो चुकी है कि हमारा आराम भी भंग हो गया है और खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है, तो हमें जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स ले सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती है जो बिना डॉक्टर से पूछे यानी बिना डॉक्टर से सलाह लिए हम खुद ले सकते हैं। अगर ओवर द काउंटर ड्रग्स की बात करें तो ओवर द काउंटर के रूप में हम एंटासिड ले सकते हैं, क्योंकि एंटासिड जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और हमें सबसे ज्यादा फास्ट रिलीफ देती है, क्योंकि पेट में pH को बढ़ा देती है जिससे एसिडिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब जब भी pH बढ़ती है तो बेस जो कंटेंट होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, और जब भी pH बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगी, और जब भी pH कम होगी तो एसिडिटी ज्यादा होती है। इसलिए एंटासिड में जो बेसिक यानी जो सारी चीजें होती है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। और एंटासिड के मेन कंटेंट्स की बात करें तो उसमें मेगाड्राल और सिमेथिकोन होता है, जो कि हमारे पेट में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। साथ में अगर गैस एक्यूमुलेटेड है तो गैस को भी निकालता है, और इसके साथ साथ अगर कुछ जो एंटासिड सिरप्स होती है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम सल्फेट भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें घरेलू इलाज के बारे में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जब भी एसिडिटी हो, क्योंकि पानी एसिड को पतला कर देता है और जिससे उसे निकालना ज्यादा आसान हो जाता है और एसिडिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन ये थोड़े ही समय के लिए आराम देता है, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट नहीं रहता है। साथ में अगर हम बात करें तो आप अदरक ले सकते हैं। अब अदरक का मतलब है कि आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं या फिर अदरक वाली कोई जिसमें अदरक मिला होता है उस कंटेंट की कोई भी चीज ले सकते हैं, जिससे भी एसिडिटी कम करने में मदद मिलती है, या फिर आप ताजा अदरक का टुकड़ा लेकर उसे चबा लें, जिससे भी हम काफी हद तक हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि अदरक हमारे पाचन तंत्र को शांत करता है जिससे एसिडिटी कम हो जाती है। और अगर कुछ घरेलू चीजों के बारे में बात करें तो जैसे आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बेकिंग तो एक चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, उसे थोड़ा सा पानी में मिलाकर पी लीजिए, जिससे आपकी पेट की एसिडिटी कम हो जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा सार ये चीज है और सार हमेशा अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये ज्यादा लंबा इफेक्ट नहीं दिखाएगी, थोड़े समय के लिए आपको आराम दे सकती है। अगर आपको लंबा आराम चाहिए तो आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, घरेलू इलाज थोड़े टाइम के लिए ही इफेक्ट दे सकते हैं। और हमें जो चीजें एसिडिटी को ट्रिगर करती हैं उनसे बचना चाहिए, और ट्रिगर करने वाली चीजें जैसे कैफीन, एल्कोहल या फिर फैटी चीजें या जंक फूड या फिर ऑयली ज्यादा चीजें, तली भुनी ज्यादा चीजों का सेवन करने से भी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो हमें अगर जिन लोगों में इसकी एसिडिटी की ज्यादा दिक्कत है या ज्यादा उम्र के लोग जैसे 35+ जो लोग हैं उनमें अवॉइड करना चाहिए इन सब चीजों को, ताकि एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ साथ आपको एक आदत डालनी चाहिए कि भोजन को एक साथ ना करें, यानी एक साथ खूब सारा खाना खा लेंगे
तो जितना ज्यादा हम खाना खाएंगे उतना ज्यादा एसिड हमारे पेट में बचाने के लिए बनता है, तो इससे एसिडिटी की समस्या होती है। इसलिए भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में करें, यानी दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, इससे आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। और इसके अलावा आपको स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एसिडिटी की समस्या तो जाहिर है दिखेगी सही। और अगर हम बात करें आगे, तो आपको खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि लेटने से जो एसिड जो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है वो आपके गले तक आएगा बार बार, तो आपको गले में चोकिंग दिखाई देगी और साथ में गले में जलन भी हो सकती है और हार्ट बर्न की जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको खाने के बाद थोड़ी देर बैठे रहें या फिर खड़े हो जाएं, और उसके 1-1.5 घंटे बाद ही आपको लेटना है। उससे पहले आपको चाहे तो घूम सकते हैं थोड़ा सा, या फिर खड़े रहे या बैठे रहे, लेकिन लेटना नहीं है, क्योंकि लेटने पर एसिड गले में आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ स्मोकिंग करते हैं या एल्कोहल इंटेक लेते हैं, तो इससे भी आपका एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन चीजों का सेवन करना बंद करें, और अगर आपके आसपास या कोई फैमिली में भी कोई लेता है तो उनको भी इसका सेवन करने से मना करें, क्योंकि ये एसिडिटी को ट्रिगर करता है और इससे एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसलिए एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें स्मोकिंग या एल्कोहल का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, हमने बात की एसिडिटी के सिम्टम्स और उसके जो संभावित इलाज हो सकता है उसके बारे में। हमने कुछ ऐसी ओवर द काउंटर ड्रग्स बताई है जो आप डॉक्टर से बिना पूछे भी ले सकते हैं, और कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी बात की है। तो आई होप आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी। अगर आपके भी ऐसी कुछ समस्या है तो आप भी इनमें से कोई भी चीजें ले सकते हैं, या फिर या तो ड्रग्स ले लीजिए या फिर घरेलू नुस्खे अपना लीजिए। लेकिन अगर आप ड्रग्स लेना चाह रहे हैं या अगर इसके अलावा और ज्यादा ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद के हिसाब से दवाइयां न लें, क्योंकि हर दवाई के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और साइड इफेक्ट्स के बारे में हमें पता नहीं है। इसलिए डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें एक बार दवा लेने से पहले। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।